नमस्ते भैया, फिर से नमस्ते। एक घोड़ी आपके पास ये भी है? जी जी। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छी घोड़ी लग रही है मेरे को तो। हाँ जी जी, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर की घोड़ी है। आजकल ऐसी घोड़ियाँ बहुत कम ही देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात जो है। इसका कद काट है उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कद काट से और बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी है भी पुराने, कहीं ना कहीं लाइन से बिलोंग करती है। बिल्कुल, हैवी बोन की बॉडी इसको बोल सकते हैं घोड़ी, डबल बोन। और इसकी गर्दन का जो मणिया, जो लोग बोलते हैं मणिया, जी जी जी, वो भी बिल्कुल पतला है। अच्छा है, ठीक है। क्या नाम है इसका घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम गणगौर है। गणगौर? जी जी। अच्छा, गणगौर नाम की घोड़िया बहुत फेमस हुई है वैसे। हुई है ना, फेमस ही समझो आप। बिल्कुल। और ये भी अपन ने यशोराज सिंह जी डांगरथल टोंक वहाँ से ली थी अपन ने ये घोड़ी। अच्छा अच्छा, डांगरथल स्टड से। जी, डांगरथल स्टड। यशोराज बना? जी, यशोराज बना हमारे अच्छे मित्र है वो। जी 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 जी। और मैं एक बार गया था उनके वहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान भी है। जी जी, बहुत अच्छे। जितना अगर उनके बारे में कोई बुरा सोचता है तो मेरे को वो गलत लगता है। सही बता दो भाई, अच्छे के लिए अच्छा ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी है यशोराज बना। अच्छा, तो वहाँ से ये आई हुई है आपके पास? जी, अपने पास वहाँ से आई थी। ठीक है, ब्रीड कहाँ हुई थी ये? ये ब्रीड तो नहीं पता कहाँ हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी आगे से कहीं परचेज की थी। अच्छा अच्छा। और फिर काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक उनके साथ ही रही ये घोड़ी। ओके ओके। और उनके पास इसकी एक घोड़ी भी है, एक बच्ची इसकी की है। अच्छा, वहाँ इसने बच्चे दिए होंगे मतलब? हाँ, जहाँ से इन्होंने परचेज की थी तो साथ में बच्ची थी। अच्छा, जहाँ से परचेज की थी? हाँ, बच्ची समेत ही उन्होंने ली थी। ओके ओके। फिर उन्होंने उस बच्ची को रेज किया, फिर वापस इसको तो इन्होंने ब्रीड किया नहीं था, फिर इसकी बच्ची को ब्रीड किया, उसके भी अभी पीछे बच्चा आया हुआ है। अच्छा, उसके बच्चा आया? जी, बहुत अच्छी घोड़ी है वो, मतलब इसका पोता, वो इसका वो इसकी इसकी ये दादी हो गई ना उसकी? नवासा हो गया। नवासा हो गया जी। ओके ओके। अच्छा, जो इसकी बच्ची है वहाँ पे डांगरथल? जी, डांगरथल में है। कितनी क्या हाइट की होगी वो घोड़ी आपको? वो भी 61 की घोड़ी है। अच्छा, और ये 60 की है। ये 60 की है? जी जी, वो 61। इसके रिजल्ट और भी देखे हैं आपने? नहीं, अपन ने नहीं देखे हैं, कि उन्हीं के पास रही लंबे टाइम से, उन्होंने ब्रीड किया नहीं वापस। अच्छा अच्छा। फिर उनसे अपन ने लिए, अभी वापस ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये मतलब वहाँ रही तो ब्रीड नहीं हुई वहाँ? नहीं नहीं, उन्होंने ब्रीड की नहीं, कुछ सरकमस्टेंसेस थे। अच्छा अच्छा। और एक जो बच्चा बच्ची दी थी वो उनके पास में ही है? जी, एक साथ में आई थी तो वो उन्हीं के पास, उन्होंने उनको रेज किया वापस ब्रीड में। फर्स्ट टाइम शायद उसी को भी ब्रीड किया है। ओके, यंग मेयर है वो। ओके। एज क्या होगी इसकी घोड़ी की? इसकी एज कुछ 12 से 14 साल की एज है इसकी। 12 से 14 साल, काफ़ी उम्र की हो गई मतलब देखा जाए तो। जी जी। और ऐसी घोड़ियाँ तो बहुत कम मिलती, ऐसी अभी देखने को बहुत। तो यशराज बनाने कैसे दे दिया फिर आपको? बस रिलेशन है उनसे, भी अच्छे मांगी है, दे दी उन्होंने। खैर सही बात जी। तो अभी क्या है, ये प्रेग्नेंट है क्या? जी, अभी ये मार्स घोड़े से प्रेग्नेंट है। मार्स? और जी जी। अच्छा, वो मिश्रा जी के पास में ही है घोड़ा। बिल्कुल। कितने टाइम से कवड़ी है ये? 5 महीने की प्रेग्नेंट है। 5 महीने की? जी जी। ओके ओके। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट 60 है इसकी। 60? जी जी। अच्छा अच्छा, बच्चा आएगा मार्स का तो? नहीं, उम्मीद है बहुत अच्छा बच्चा। नहीं, बिल्कुल। घोड़ी भी आपके ये घोड़ी का जो अपन ने लास्ट रिजल्ट देखा है वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। अल्टीमेट रिजल्ट देने वाली घोड़ी है ये। जी, बहुत अच्छा रिजल्ट देने की उम्मीद है। अब यशराज बनाने ऐसी घोड़ियां ढूंढते हैं लोग की ब्रीडिंग के लिए मिल जाए अपन को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ऐसी घोड़ियां अगर किसी घोड़े के पास जाता है तो घोड़े वाले का भी जीव खुश होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यार अपने घोड़े का नाम ही होगा यार, अगर अच्छी घोड़ी मिलेगी। बहुत अच्छा बच्चा आएगा इससे। बिल्कुल सही। नाम क्या बताया इसका? इसका नाम गणगौर है। गणगौर, सॉरी जी। ठीक है, चलो बना ले आओ आ घोड़ी, बबली ने देखो लाओ। वो बच्ची भी काट दो और बबली नहीं काटो। इसके पुट्ठे, इसकी चेस्ट की ब्रॉडनेस काफ़ी अच्छे हैं वगैरह, बहुत इसकी अच्छी है। मार्किंग तो इसके एक ही मात्र, मार्किंग इसके सिर्फ ब्लेज है, बाकी बिल्कुल मोवा कलर है इसका भी डार्क।